जय हिंद दोस्तों, रश्मि के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही टुकड़ा की रेसिपी। इसे डबल का मीठा भी कहा जाता है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इसे आप कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह बनाया जाता है। शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 2 स्लाइस ब्रेड लिए हैं। इन्हें मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में हमें चाहिए, ये देखिए इस तरह। अब मैं यहाँ पर एक बर्तन ले रही हूँ। इसमें मैंने आधा कप पानी डाल दिया है और इसमें 4 चम्मच चीनी डाल दी। अब इसकी चाशनी बनाने के लिए मैं इसे गैस पर रख देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने तेल गरम कर लिया है। इसमें जो मैंने ब्रेड के टुकड़े कट कर लिए थे इन्हें मैं गोल्डन फ्राई करूंगी। ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन जाएंगे। इसमें ये देखिए मध्यम आंच पर इसे अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करें, इस तरह से। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर बना के देखिए। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर कलर इसका आ चुका है, गोल्डन कलर। और इन्हें निकाल लें, इस तरह सारे ब्रेड के टुकड़े आप फ्राई कर लें। अब इन टुकड़ों को मैं जो चाशनी बनाने के लिए रखी थी इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए ये चाशनी भी बनकर रेडी है। इसे गैस से उतार लें और इसमें ये ब्रेड के टुकड़े एक एक करके डालें और बस डालकर निकाल लें। इस चाशनी को भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये देखिए ये हो गया है चाशनी में डालकर। शाही टुकड़ा बनाने के लिए अब हमें ज़रूरत है रबड़ी की। रबड़ी की रेसिपी मैंने मेरे YouTube चैनल पर पहले ही पोस्ट कर दी है, आप वहां पर देख सकते हैं। अब चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये जो मैंने चाशनी में डाले हुए ब्रेड के टुकड़े हैं इन्हें इस तरह से लगा दे, इसके ऊपर रबड़ी डाल दे, इसके ऊपर आपके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल दे। अब मैं इन पर थोड़े से केसर लगा रही हूँ। अगर आप चाहे तो रबड़ी में ही केसर डाल सकते हैं। शाही रबड़ी नाम की तरह ही खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है और आँखों को भी बहुत भाती है, देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर ये दिखेगी। अब इस पर मैं थोड़े से गुलाब के पंखुड़ियों को टुकड़े करके डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे सजा दे। ये देखिए शाही रबड़ी एकदम तैयार है खाने के लिए। बस इसे एकदम ठंडा करके ही खाए, तभी इसे खाने का मज़ा आएगा। कैसी लगी ये शाही टुकड़ा की रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। ईट हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद।